लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो रही है। ऐसे में आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र यादव का। लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रुझान आ रहा है, किन मुद्दों पर जनता आपसे मिल रही है, क्या मुद्दे? व्यापक सहयोग मिला है, व्यापक समर्थन मिला है। आजमगढ़ के लोगों के दिलों में कसक है पिछली हार की, उस हार की कसक को जीत में बदलने की तमन्ना लेके लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, जो हमारे इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने के हों, महंगाई दूर करने के हों, किसानों की आमदनी डेढ़ गुना करने का सवाल हो, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल हो, अग्निवीर की योजना खत्म करने का सवाल हो, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के स्थायित्व का सवाल हो, जाति जनगणना का सवाल हो, इंडिया गठबंधन के सभी मुद्दों पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। सर, जैसा कि गुड्डू जमाली जी आपके साथ आए तो बार बार सांसद जी कह रहे हैं कि वो जमाली केवल आए हैं, व्यक्ति विशेष आए हैं, पार्टी नहीं आई है। आप और भी बस्तियों में जा रहे हैं लोगों के बीच, तो देखिए अब उनके बारे में मैं जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ, क्या दूँ, क्योंकि उनकी बात का ना वजन है, ना गंभीरता है, ना स्थायित्व तो है। वो स्क्रिप्ट आज कुछ दी जा रही होगी, आज कुछ पढ़ रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरी दी जाएगी, दूसरी पढ़ देंगे। केजरीवाल जी जमानत पर बाहर हैं, किस तरह से आप लोगों को फायदा हो रहा है? देखिए, केजरीवाल जी के साथ लगातार गलत करने का प्रयास किया है सरकार ने, और मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने आज उनको बाहर किया, और उनके आने से इंडिया गठबंधन को एक अलग ताकत मिली है, और जनता के बीच वो अपनी बात कहेंगे, स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन को उसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसे धुलवाया जाता है, यह किस तरह से आप देख रहे हैं? अब वो पट्टा है मंदिर के ऊपर, उन्होंने पट्टा करा रखा तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन देश के जो 95% लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान भाई हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उन सबको ये बात दिल पर बहुत खराब लगी है, दिल को। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी, उत्तराखंड।